दोस्तों कल आईपीएल 2023 का डबल हेडर मुकाबला यानी कि कल दो मुकाबले खेले गए, जिसमें से पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल और आरसीबी के बीच खेला गया था। वहीं दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। वहीं दोस्तों पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल और आरसीबी के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। दोस्तों आपको बता दें, इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 171 रन बना डाले। वहीं 171 रन का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल की शुरुआत काफी घटिया रही, जहां 20 ओवर में 59 रन के स्कोर पर ही राजस्थान रॉयल पूरी टीम निमट गई और ऑल आउट होकर इस मुकाबले में हार दर्ज कर ली। वहीं आरसीबी ने 112 रन के बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीत लिया। वहीं दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में मात्र 144 रन बनाए, जहां लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह ने 54 रन की शानदार पारी खेलते हुए केकेआर ने 18 ओवर में ही 147 रन बना डाले, जहां केकेआर को 6 विकेट से माही के खिलाफ जीत मिली। वहीं दोस्तों आरसीबी और केकेआर के जीतने के बाद आईपीएल 2023 का पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल गया है, जहां कई टीमें पॉइंट टेबल से बाहर हुई तो कई टीमों को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आईपीएल 2023 के नई पॉइंट टेबल के बारे में। दोस्तों नंबर 10 पर आती है दिल्ली कैपिटल की टीम। दिल्ली कैपिटल ने अभी तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जहां दिल्ली कैपिटल को 8 मुकाबलों में हार तो वहीं 4 मुकाबलों में जीत मिली है, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल की पॉइंट टेबल में 8 पॉइंट मौजूद है। वहीं बात करें दिल्ली कैपिटल की नई नेट रन रेट की तो -0.608 का है, जहां प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दिल्ली कैपिटल के पास अब कोई रास्ता नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दिल्ली कैपिटल अब प्लेऑफ से पूरी तरह से बाहर है और दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अगले साल तक का इंतजार करना होगा। वहीं दोस्तों नंबर 9 पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आती है, जिसने अभी तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जहां सनराइजर्स हैदराबाद को 7 हार तो वहीं 4 जीत मिली है और पॉइंट टेबल में 8 पॉइंट मौजूद है। वहीं बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की नई नेट रन रेट की तो -0.471 का है, जहां प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद को अपने कुल 3 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतने होंगे और अपनी नेट रन रेट को भी सुधारना होगा। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि दूसरी टीमों पर भी सनराइजर्स हैदराबाद को निर्भर रहना होगा। वहीं दोस्तों नंबर 8 पर आती है पंजाब किंग्स की टीम, जहां पंजाब किंग्स ने अभी तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से पंजाब किंग्स को 6 हार तो वहीं 6 जीत मिली है और पॉइंट टेबल में 12 पॉइंट मौजूद है। वहीं बात करें पंजाब किंग्स की नई नेट रन रेट के बारे में तो -0.268 का है, जहां प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कुल 2 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीतने होंगे और दूसरी टीमों के ऊपर भी निर्भर रहना होगा। दोस्तों नंबर 7 पर आती है केकेआर की टीम, जिसने अभी तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जहां कोलकाता को 7 मुकाबलों में हार तो वहीं 6 मुकाबलों में जीत मिली है और पॉइंट टेबल में 12 पॉइंट मौजूद है। वहीं बात करते हैं केकेआर की नई नेट रन रेट के बारे में तो -0.256 का है, जहां प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कोलकाता को अपनी नेट रन रेट में काफी ज्यादा सुधार करना होगा और अपना एक मुकाबला भी जीतना होगा। वहीं केकेआर को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियन के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं दोस्तों नंबर 6 पर आती है राजस्थान रॉयल की टीम, जिसने अभी तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जहां राजस्थान रॉयल को 7 मुकाबलों में हार तो वहीं 6 मुकाबलों में जीत मिली है और पॉइंट टेबल में कुल 12 पॉइंट मौजूद है। वहीं बात करते हैं राजस्थान रॉयल की नई नेट रन रेट के बारे में तो +0.140 का है, जहां प्लेऑफ में पहुंचने के लिए राजस्थान रॉयल को एक मुकाबला जीतना होगा। उसी के साथ मुंबई इंडियन, आरसीबी और लखनऊ की टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा। दोस्तों नंबर 5 पर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, जिसने हाल ही में मुकाबला जीतकर राजस्थान रॉयल को 6 नंबर पर भेज दिया है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अभी तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से आरसीबी को 6 मुकाबलों में हार तो वहीं 6 मुकाबलों में जीत मिली है और पॉइंट टेबल में कुल 12 पॉइंट मौजूद है। वहीं बात करें आरसीबी की नई नेट रन रेट के बारे में तो +0.166 का है, जहां प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आरसीबी को कुल 2 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीतने होंगे और एलएसजी को पीछे छोड़ना होगा। उसी के साथ अपनी नेट रन रेट को भी बढ़ाना होगा। वहीं दोस्तों नंबर 4 पर आती है लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम। लखनऊ ने अभी तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में जीत तो वहीं 5 मुकाबलों में हार मिली है और पॉइंट टेबल में अभी तक कुल 13 पॉइंट मौजूद है। वहीं बात करें एलएसजी की नई नेट रन रेट के बारे में तो +0.309 का है, जहां प्लेऑफ में पहुंचने के लिए एलएसजी को कुल 2 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीतने होंगे और मुंबई इंडियन को पीछे छोड़ना होगा। दोस्तों नंबर 3 पर आती है मुंबई इंडियन की टीम, जिसने अभी तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जहां मुंबई इंडियन को 5 मुकाबलों में हार तो वहीं 7 मुकाबलों में जीत मिली है और मुंबई इंडियन के पॉइंट टेबल में 14 पॉइंट मौजूद है। वहीं बात करते हैं मुंबई इंडियन की नई
नेट रन रेट की तो -0.117 का है, जहां प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई इंडियन को अपनी रन रेट को काफी ज्यादा सुधारना होगा और अपने कुल दो मुकाबलों में से दोनों मुकाबलों में काफी बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। वहीं दोस्तों नंबर दो पर आती है चेन्नई माही की टीम। धोनी की टीम ने अभी तक कुल 13 मुकाबले खेले है, जहाँ चेन्नई को 5 मुकाबलों में हार तो वहीं 7 मुकाबलों में जीत मिली है और पॉइंट टेबल में 15 पॉइंट के साथ मौजूद है। वहीं बात करें धोनी की टीम की नई रन रेट के बारे में तो +0.381 का है और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई को सिर्फ एक मुकाबला जीतना होगा। वहीं दोस्तों नंबर एक पर आती है गुजरात टाइटन की टीम, जिसने अभी तक कुल 12 मुकाबले खेले है, जिसमें से 4 मुकाबलों में हार तो वहीं 8 मुकाबलों में बड़ी जीत मिली है और पॉइंट टेबल में 16 पॉइंट के साथ मौजूद है। वहीं दोस्तों बात करें नए रन रेट के बारे में तो +0.761 का है। वहीं दोस्तों गुजरात टाइटन पहले से ही प्लेऑफ में पहुंच गई है और दोस्तों गुजरात टाइटन ने इस साल काफी बेहतरीन प्रदर्शन अपने दर्शकों को दिखाया है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या में कौन बेस्ट कप्तान माना जाता है, और अगर धोनी के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिएगा।